कहने लगती है, जो मुर्गे तुमने काटा है वो मैं ही थी जो तुमको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन के आई थी। फिर क्या होता है? और वो समझ जाता है कि लालच बहुत बुरी चीज है। जी समझ आ गया, जो भी हमको मिलता है उसका शुक्रिया अदा करके रख लेना है, कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। जी हाँ। नहीं लो, अब रात हो चुकी है, तुम सो जाओ ठीक है? नहीं नहीं, मेरे को तो और एक कहानी सुनकर ही सोना है। ठीक है, तुम चलो अपने रूम पर, मैं तुमको सुलाते सुलाते एक परी की कहानी सुनाऊंगी। तुम सोई नहीं? नहीं, मैं तो परी की कहानी सुनकर ही सोऊंगा। चलो ठीक है। और ब्लॉसम ने महंगे गहने और कपड़े मांगे
उसने भूख के कारण खा लिया। और खाने के बाद महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गुलाब तोड़े। मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। राक्षस ने व्यापारी को एक बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली भी दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात सुनाई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची और उसने भी मेज पर बहुत सारे पकवान देखे और उन्हें खा लिया। फिर आज से तुम यही रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। और तुम्हारा कमरा ऊपर से दाहिनी ओर है। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहाँ उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत। अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूँ। ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की मन पसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे और फिर ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो, ये जादुई अंगूठी है, इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने पिता के घर में उठोगी। और जब वापस आना हो, वापस इसे पहनकर सो जाना। तुम वापस महल आ जाओगी, लेकिन याद रहे सिर्फ 7 दिन, वरना 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वैसा ही किया। फिर क्या होता है? व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश हुआ और फिर ब्यूटी ने अपने बाबा की अच्छे से सेवा की। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी पौधों को पानी दे रही थी, तब उसे महल के बगीचे और राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर ना जाए। बाहर गुलाब के बगीचे में पहुंची। वो राक्षस
तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जो अब टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर ब्यूटी के व्यापारी पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो बताओ रूही, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? दादी माँ, बहुत अच्छी थी। एक जी हाँ, अभी तुम सो जाओ। तुमको तो समझ आ गया होगा, कभी भी अच्छे काम करने से अच्छा फल मिलता है। अभी सो जाओ। गुड नाइट।